मौजूदा समय में इंसान ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है। हम इंसान सोचते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन यही इंसान चीजों को भी स्मार्ट करता जा रहा है। जी हाँ, आज आपका फोन या टीवी ही स्मार्ट नहीं है, बल्कि मार्केट में मौजूद बहुत सारे गैजेट्स स्मार्ट होते जा रहे हैं। हालांकि ये सभी चीजें हम इंसान अपनी सहूलियत के लिए डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक खतरा यह भी बना रहता है कि हम मशीनों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, जिसके बारे में पहले से ही मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि टेक्नोलॉजी इस तेजी से गति कर रही है कि भविष्य में यही टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल युद्ध से नष्ट कर सकती है। यानी स्टीफन हॉकिंग द्वारा खतरे की चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी, लेकिन हम इंसान दिन प्रतिदिन मशीनों पर ही निर्भर होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में है AI। पिछले कुछ सालों में ही AI में बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ चौंकाने वाले फैक्ट बताते हैं, जो आपको जानने भी चाहिए, क्योंकि आज लगभग हम सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं। धीरे धीरे सभी चीजें इंटरनेट कंप्यूटर से कनेक्ट होती जा रही हैं। सो लेट्स बिगिन। Amazon Echo, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में तो सुना ही होगा और शायद देखा भी हो। Amazon Echo एक नेटवर्क माइक्रोफोन मशीन है, जो कि आपके लिए एक रोबोट की तरह काम करती है, यानी आपके ऑर्डर्स को फॉलो करती है। अगर इस तरह की डिवाइस आपके घर पर है तो आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं। ये मात्र आपकी एक कमांड पर आपके घर की लाइट कम या ज्यादा कर सकती है। आपकी वॉइस कमांड पर ही आपको न्यूज सुना सकती है, मौसम का हाल बता सकती है। आप अपनी वॉइस कमांड से इसे अपनी सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके बैंक अकाउंट जैसी जानकारी लेने को बोल सकते हैं। बिल्कुल आपके पेट डॉग की तरह Amazon Echo आपकी सभी बातें मानता है और आपके ऑर्डर्स लेता है, जिसका एक नाम भी दिया गया है, एलेक्सा। आप जैसे ही इसका नाम पुकारेंगे, एलेक्सा इसके कान खड़े हो जाएंगे, ये आपके ऑर्डर्स को सुनेगा। आपके और एलेक्सा के बीच में बोली गई सभी बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। सिंपल, अगर ये डिवाइस आपके घर पर टेबल पर रखी हुई है और इसका स्विच ऑन है, आप जर्नली जो भी बातें करते हैं किसी के साथ, तो ये मशीन साइलेंटली आपकी सभी बातें सुन रही होगी और रिकॉर्ड भी कर रही होगी, साथ ही Amazon क्लाउड पर भेजती भी रहेगी। हालांकि आप वो जानकारी डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके एक्शन लेने से पहले आपकी जानकारी लीक होने का खतरा भी बना रहता है। और इसके बारे में तो अमेरिका में एक फैमिली ने क्लेम भी किया है कि उनकी पर्सनल बातें इसी डिवाइस के जरिए लीक कर दी गई और वो वायरल भी हुई। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप इस मशीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, खास तौर पर जब आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी कम हो। हम में अक्सर क्यूरियोसिटी रहती है कि मार्केट में कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, अब चाहे उसकी जानकारी हो या ना हो, बस एक ट्रेंड में होने की वजह से हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं या फिर अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। और आप तो ये अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आईफोन रखने के शौकीन होंगे। भाई मैं तो ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन आईफोन रखते हैं सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। एनीवे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आप एलेक्सा के सामने बोलते हैं उसे कौन मॉनिटर कर रहा है। और इसके अलावा आपके डिवाइस में पड़ी इन्फॉर्मेशन या जानकारी चोरी होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। ये छोटा सा दिखने वाला डब्बा आपकी हमेशा जासूसी करता रहता है। ऐसी ही एक दूसरी डिवाइस गूगल असिस्टेंट डेस्क, आई एम श्योर आप इसके बारे में भी जानते होंगे, इसको भी आप हल्के में ना लें। आज की इस बिजी लाइफ में आप बहुत सारी चीजें भूल सकते हैं, जैसे कि आपको किसी से कोई जरूरी अपॉइंटमेंट लेनी थी या बिल पे करना था। ऐसी बहुत सारी जरूरी चीजें आज के इस बिजी शेड्यूल में हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये गूगल असिस्टेंट डेस्क कभी नहीं भूलता आपकी जरूरी बातें। चलिए इसे आसान करके समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है और आप वो शेड्यूल या टाइमिंग भूल गए हैं। ऐसे में ये डिवाइस गूगल असिस्टेंट हूबहू आपकी आवाज की नकल करके कॉल करके उससे वो अपॉइंटमेंट ले लेगा और आपको पता भी नहीं होगा। कमाल यार, पहले बीवियां बताती थी कि आपका यह जरूरी काम है, आपको करना होगा, लेकिन शायद मर्दों ने बीवियों पर भरोसा करना बंद कर दिया है, इसलिए इस मशीन को बनाया गया। ये आपकी हर डेट, टाइमिंग और काम
प्रॉपर याद रखता है और उसे बखूबी कर भी देता है। और इसकी एक कमाल की बात तो देखो, यह हूबहू ऐसे बात करेगी कि सामने वाला इंसान जो भी फोन पर मौजूद होगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि उससे एक मशीन बात कर रही है या फिर एक इंसान। हाँ हूँ जैसे सिंपल डायलॉग्स और स्लैंग ये मशीन ऐसे प्रोनाउंस करती है जैसे मानो वो इंसान खुद ही बोल रहा हो। और इसी के चलते यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि वह एक मशीन है या एक इंसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में इस बात का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है कि वह आपके जीमेल अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपके लिए अपॉइंटमेंट्स ट्रेवल शेड्यूल कर सके और साथ ही इनके बारे में आपको रिमाइंड भी कराती रहे। यह आपकी एक कमांड पर लोगों को पैसे ट्रांसफर भी कर सकेगी और उनसे मंगवा भी सकती है। और यह मशीन ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाने में भी सक्षम है। अब एक सोचने वाली बात यह है, क्या किसी इंसान की आवाज की कॉपी करके सामने वाले इंसान को धोखा देना सही है? इस मशीन में भी यह खतरा हमेशा बना रहता है कि किसी की आवाज की कॉपी करके सामने वाले इंसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है या उसे चीट भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की 3 स्टेजेस हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। बेसिकली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की एक लिमिटेशन है। इस टेक्निक का प्रयोग गूगल पेजेस को रैंक करने के लिए करता है और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मशीनों को इंसान का रूप देने के लिए है। ये टेक्निक इंसानों का व्यवहार और उनकी नकल उतारता है। और इसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो सोफिया के बारे में स्टडी कर लें। सोफिया इसी दूसरी कैटेगरी के रोबोट में आती है यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एंड लॉस AI लेवल 3 यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसके बारे में इमेजिनेशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर आकर रोबोट इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं कि हो सकता है वो खुद ही अपने फैसले भी लेने लगे। AI 3 में रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग खुद ही कर पाएंगे और उन्हें रिपेयर भी कर पाएंगे। और इसके बारे में एक घटना हमारे पास में पहले भी आ चुकी है, जब रोबोट ने अपनी एक अलग ही लैंग्वेज खुद ही बना ली थी और उसे दूसरा कंप्यूटर समझ पा रहा था। तो इस तरह की एक्टिविटीज इंसानों के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। बेसिकली अभी हम लेवल 1 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है लेवल 3 में ये AI हमें ही इस्तेमाल करने लगे। आपको क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? वैसे एक सच्चाई को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, जब जब इस पृथ्वी पर कोई भी सभ्यता इतनी ज्यादा डिवेलप हुई है उसके बाद पृथ्वी का पुनर्निर्माण हुआ है। पुनर्निर्माण से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पृथ्वी का विनाश और फिर निर्माण। इजिप्ट इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारी सिविलाइजेशन है जिनके सुराग आज हमें मिल रहे हैं, जो हो सकता है तकरीबन हमसे भी ज्यादा उन्नत रही हों और धूल में मिल गई। शायद हमारा समय भी नजदीक आने वाला है। आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। मिलता हूँ किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।